हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं रघुपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सो प्रीवियसली हम लोगों ने जो स्प्रिंग्स का हमारा टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। हमने देखा कि किस तरह से हम लोग स्प्रिंग्स को समझ सकते हैं, कितने टाइप के स्प्रिंग्स होते हैं। हम लोगों ने मेजरली जो हेलिकल स्प्रिंग्स है उसके बारे में पढ़ा था। देन जो उसमें टॉर्शन शियर स्ट्रेस आता है अंडर अ कंप्रेसिव लोड हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग में, उसके बारे में डिस्कशन किया था। हम लोगों ने डिफ्लेक्शन और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल के बारे में, यानी कि जब हम लोग स्प्रिंग्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो जो दो पॉसिबल आपके पास ऑप्शंस हैं, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उस सभी चीज़ों को इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक के इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज के बारे में। ओके, स्प्रिंग्स इन सीरीज। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो स्प्रिंग्स है उनको एंड टू एंड कनेक्शन में अटैच करेंगे। सो एंड टू एंड कनेक्शन होगा, एंड टू एंड। ओके, तो एक डायग्राम बनाते हैं रफ। तो इस तरह से कोई एक स्प्रिंग है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको इस तरह से, इसके एंड से मैंने दूसरे एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया है। नाउ दो अलग अलग स्प्रिंग है, ये बताने के लिए क्या किया जाता है, जो उसके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, ठीक है, दैट इज स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, उनको अलग अलग दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं K1 और K2 बोल रहा हूँ, सच दैट K1 इज नॉट इक्वल टू K2, इसका मतलब ये है, ये एक अलग स्प्रिंग है और ये एक अलग स्प्रिंग है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर कोई लोड लगाते हैं हम लोग, इस तरह से कोई इसमें लोड अप्लाई कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लोड है ये दोनों स्प्रिंग में अब लगेगा, ठीक है, दोनों स्प्रिंग्स पे, दोनों में ये सेम लोड लगने वाला है। नाउ अंडर दिस गिवन लोड क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन है, कुछ ये डिफ्लेक्शन ये देगा, कुछ डिफ्लेक्शन ये देगा, दोनों का डिफ्लेक्शन यहाँ पर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की स्टिफनेस क्या है, अलग अलग है। दोनों की स्टिफनेस अलग अलग है। हम जानते हैं जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होती है वो क्या है, दैट इज लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन। के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी डिफॉर्म करने के लिए उतना ज़्यादा लोड लगेगा। अब दोनों में लोड सेम है, हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो K1 इज ग्रेटर देन K2, हो सकता है कि सिचुएशन K2 इज ग्रेटर देन K1 की हो, ठीक है। तो दोनों अलग अलग डेफिनेटली डिफॉर्मेशन देंगे, दोनों का जो डिफ्लेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक। अब इस एंड पे अभी जब मैं कोई लोड नहीं लगाया था तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस लेंथ का था, लेटर से L इसकी लेंथ थी। नाउ जैसे जैसे लोड आपने अप्लाई किया, सर्टन डिफ्लेक्शन हुआ, फाइनल पोजिशन यहाँ पर हो गया और ये डिफ्लेक्शन है डेल। तो जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा इस कंडीशन में वो दोनों स्प्रिंग की इंडिविजुअल डिफ्लेक्शंस का सम होगा। तो ये लिख सकता हूं मैं, जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा डेल, टोटल डिफ्लेक्शन जो आपके पास आ रहा है डेल, दैट विल बी इक्वल टू डेल वन, डेल वन मीन्स फर्स्ट स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, प्लस डेल टू दैट मीन्स सेकेंड स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो स्टिफनेस होता है स्प्रिंग का वो होता है पी बाई डेल। एज क्या हो रहा है, दोनों में लोड क्या लगने वाला है, लोड आपके में सेम होगा, दोनों स्प्रिंग एक साथ जुड़ी हुई है, तो जितना लोड इसमें है उतना लोड इसमें भी है, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जो डेल है उसको लिख सकते हैं पी बाई के, और पी जो है पी सेम इन ईच स्प्रिंग इन सीरीज में ऐसा हो रहा है, पैरेलल में डिफरेंट होंगी चीजें, ठीक है। तो यहां से डेल वन को क्या लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा पी बाई के वन, डेल टू क्या लिखा जा सकता है, डेल टू को लिखा जाता है पी बाई के टू। ओके, नाउ जो टोटल डिफ्लेक्शन हुआ जो डेल, वो भी किसके कारण हुआ, पी के कारण हुआ, ठीक, पी लोड के कारण हुआ टोटल डिफ्लेक्शन डेल। अब टोटल डिफ्लेक्शन इन दोनों ने मिल करके दिया है, तो लेट अस से दोनों का मिला करके, दोनों का जब हम लोग एक साथ कंबाइन करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है दैट इज के ई, वेयर के ई क्या आपके पास दोनों का, या एन नंबर ऑफ स्प्रिंग अगर यहाँ पर जोड़ते हो आप तो उन एन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स का इक्विवेलेंट स्टिफनेस है। सो के ई इज इक्विवेलेंट स्टिफनेस। ओके, तो अब मैं यहां से इसको लिखता हूं, इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करता हूं सारी, तो मुझे मिल जाएगा पी बाई के ई इज इक्वल टू पी बाई के वन प्लस पी बाई के टू। पी यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, मिलेगा वन बाई के इज इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू। नाउ अगर एन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आप जोड़ते हो सीरीज में तो आप लिख सकते हो फॉर एन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स
आप लिख सकते हो 1 बाई के ई इज इक्वल टू 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू प्लस 1 बाई के थ्री प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई एन 1 बाई के एन। ये बन गया आप लोगों का इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो ये रहा सीरीज का केस। तो सीरीज के केस में क्या हो रहा है, सीरीज के केस में पहली चीज जो डिफ्लेक्शन होगा वो सबका अलग अलग होगा, P सेम होगा सब में, P विल बी सेम इन ईच स्प्रिंग, जैसा कि पहले मैंने बोला, ठीक है। डेल कैसा होगा, डेल विल बी डिफरेंट, ओके डिफरेंट। और ये कब डिफरेंट होगा, इफ के वन इज नॉट इक्वल टू के टू, यानी कि बेसिकली क्या बोल सकता हूं मैं, इफ के इज नॉट सेम फॉर ऑल स्प्रिंग्स। ओके, तो इस कंडीशन में आप लोग ये चीज बोल पाओगे। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, स्प्रिंग्स इन पैरेलल, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ओके, तो जब आप लोग स्प्रिंग्स को एक दूसरे के पैरेलल पुट कर देते हो लाइक दिस सच दैट उनका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, उनका जो एक्सिस होता है स्प्रिंग का वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन होता है और इसमें जो दोनों की स्प्रिंग के एक्सिस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। नाउ अभी दोनों ये दो स्प्रिंग हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ स्प्रिंग हो सकते हैं, ये दोनों क्या, ये लोग क्या कर रहे हैं, लोड को कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मैं कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, लोड लगा रहा हूँ। तो ये रहा वो प्लेटफॉर्म या कोई रिजिड बार आप बोल सकते हो, लेट अस कॉल इट अ रिजिड बार। ओके, नाउ इस पे कोई लोड लगने वाला है, इस तरह से कोई लोड लगने वाला है पी। ओके, अब क्या होगा, अब ये जो लोड है ये लोड दोनों स्प्रिंग्स में या एन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सभी में लेट अस से ये स्प्रिंग नंबर वन है, ये स्प्रिंग नंबर टू है, तो इसमें आ जाएगा पी वन, इसमें आ जाएगा पी टू, ठीक है। और अगर ज्यादा होंगे तो पी एन तक हम जा सकते हैं, पी वन पी टू पी थ्री पी एन तक जा सकते हैं। और ये ऐसा होगा दैट पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री सो ऑन टिल पी एन। सो एन नंबर ऑफ स्प्रिंग है तो सारे स्प्रिंग में जितना लोड गया सबको जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, जितना लोड आपने अप्लाई किया था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री देन सो ऑन अप टू पी एन, क्लियर। तो ये आप लोगों को मिल गया कि सभी स्प्रिंग में लोड अलग अलग आएगा, सभी स्प्रिंग लोड अलग अलग आएगा। अगर सिमेट्रिकली लोडिंग है, सिमेट्रिकली लोडेड है स्प्रिंग, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्प्रिंग में लोड है वो डिवाइड होगा। तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि लोड जो है वो सब में डिवाइड होता है, इसमें डिवाइड नहीं हुआ, जितना लोड लगाया गया वो सभी में क्या लग रहा है, सेम हो रहा है, इट इज नॉट डिवाइडेड। ओके, पी विल बी सेम इन ईच स्प्रिंग। ओके, ये डिवाइड नहीं होगा, इट विल नॉट बी डिवाइडेड, इट विल नॉट बी डिवाइडेड। जितना लोड आप लगाए हो पी उतना ही पी, इसमें भी पी लग रहा है, इसमें भी पी लग रहा है, सेम लोड एक्ट कर रहा है सभी में। अब आप बोलोगे सर इसमें भी पी बाई टू आ गया, पी बाई टू आ गया इसमें, मान लीजिए पी बाई टू आ गया, तो इसमें भी सब में सेम लोड लग रहा है, यस लोड सेम लग रहा है, बट लोड यहाँ पर क्या हो रहा है, लोड यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। सो लोड विल बी डिवाइडेड, लोड विल बी डिवाइडेड अमंग स्प्रिंग्स। ओके, ऐसा अगर सिमेट्रिकल है स्प्रिंग्स, जो अरेंजमेंट है, इफ अरेंजमेंट इज सिमेट्रिकल देन लोड शेयर बाय ईच स्प्रिंग विल बी पी बाई एन बाई ईच स्प्रिंग विल बी पी बाई एन वेयर एन इज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, क्लियर। ये हो गया, तो लोड सभी में डिफरेंस है, लेकिन क्या है, रिजिड बार है। नाउ कंडीशन में ये बोल रहा हूं कि जब लोड लग रहा है तो ये जो रिजिड बार है विच इज हॉरिजॉन्टल इट मस्ट रिमेन हॉरिजॉन्टल। ओके,
तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जितना डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ उतना ही डिफ्लेक्शन इस तरफ होना चाहिए, दोनों स्प्रिंग में बराबर डिफ्लेक्शन मिलेगा तभी ये पॉसिबल है। सो दिस विल बी डेल वन, दिस विल बी डेल टू, ओके, एंड डेल वन विल बी इक्वल टू डेल टू, तभी ये पॉसिबल है, डेल वन विल बी इक्वल टू डेल टू, क्लियर। सो सभी में जो डिफ्लेक्शन है वो बराबर हो गया, तो ओवरऑल जो डिफ्लेक्शन मिलेगा डेल, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू डेल वन एंड डेल टू, क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ हम लोग पहले भी देख चुके क्या होता है, के होता है आपका पी बाई डेल, डेल सब में सेम हो गया है, ठीक है, और लोड सब में अलग अलग है। तो फर्स्ट स्प्रिंग की स्टिफनेस अगर के वन है तो, और दूसरे की अगर के टू है, एंड अगर आगे तीसरे में जाते हो तो के थ्री होगा, तो के वन क्या हो जाएगा पी वन बाई डेल, ओके, के टू क्या हो जाएगा पी टू बाई डेल, इस तरह से हो जाएगा ये, क्लियर। नाउ तो अगर टोटल लोड पी है और ओवरऑल डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है दैट इज डेल, तो मैं लिख सकता हूँ पी बाई डेल से सेमी सी फॉर्मूले से जो इफेक्टिव आप लोग का या फिर इक्विवेलेंट जो आप लोग की स्टिफनेस मिल रही है दैट विल बी पी बाई डेल। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो टोटल लोड है पी दैट विल बी इक्वल टू के ई इन टू डेल, ओके, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ पी वन इज इक्वल टू के वन इन टू डेल, ओके, एंड देन जो पी टू है उसको भी लिखा जा सकता है के टू इन टू डेल। नाउ जो पी है दैट इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, इस वाले इक्वेशन हम लोग उसको पुट करते हैं तो मिल जाएगा के ई इन टू डेल इज इक्वल टू के वन इन टू डेल प्लस के टू इन टू डेल, और अगर एन नंबर ऑफ स्प्रिंग है तो आप ये भी जा सकते हैं हम लोग इस तरह से के एन इन टू डेल, ओके। सो डेल डिफ्लेक्शन सब जगह सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लोगों को जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस जो है ये मिलेगी के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री सो वन अप टू के एन, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का इक्विवेलेंट स्टिफनेस फॉर दी स्प्रिंग्स इन पैरेलल। तो स्प्रिंग्स इन पैरेलल की अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे कि आप लोग पास बम्पर्स एक्सेट्रा होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकता है, आप देख सकते हो कि इसकी जो स्टिफनेस है, इसकी जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा होगी, ओके, एज कम्पेयर टू स्प्रिंग्स इन सीरीज, ओके, सीरीज के कंपेयर में आप देखेंगे, आपके पास दो, आपको मैं अगर क्वेश्चन दूँ, लेट अस से आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं, एक की स्टिफनेस आपकी के इज इक्वल टू थ्री यूनिट्स है, ओके, और एक की के टू आपके पास टू यूनिट्स है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बेटर होगा या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर होगा, चेक करते हैं। तो सीरीज के लिए अगर निकालेंगे हम लोग तो के ही मिलेगा हम लोगों को फर्स्ट केस में 1/3 प्लस 1/2, दैट मीन्स आप के ई को ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो के ई को लिख सकते हो डायरेक्टली 3 × 2 डिवाइड बाई 3 + 2 दैट इज 6/5, ये आप लोगों को मिला, ठीक है, 6/5। लेकिन जब आप लोग इसको पैरेलल में लगाए तो के ई मिल गया आप लोगों को के वन प्लस के टू दैट इज 5, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो होगा 6/5 दैट इज 1.2, ओके, 1.2 एंड 5 कौन बड़ा है, पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन बड़ा है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग को जो स्टिफनेस मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, तो जब बहुत ज़्यादा हैवी लोड कैरी करने की बात आती है तो फॉर हैवी लोड्स वी प्रीफर दी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को वहाँ पर हम लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। नाउ कई बार क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग्स इन पैरेलल है, उनके इस्तेमाल से मैं किसी व्हीकल को रोकना चाह रहा हूँ, बम्पर का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बम्पर है आपके पास, ओके, जो कि क्या कर रहा है, एक व्हीकल को स्टॉप कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग्स होते हैं, ये स्प्रिंग्स कैसे हैं भाई, इसमें आप लोग जैसे जैसे लोड को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे क्या होते जाता है, इसका डिफॉर्मेशन होते चला जाता है। तो अगर आप लोग स्प्रिंग्स के लिए लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम बनाओगे तो आप लोग को इस तरीके का मिलेगा, दिस इज लोड, दिस इज डिफॉर्मेशन डेल, तो ये इसमें लीनियर आप लोगों को डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है फॉर लीनियर स्प्रिंग्स, ओके, जरूरी नहीं है, तो जब तक आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन ना हो, वैसे तो बी लेवल पे इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कुछ स्पेशल चीज़ें तो आप मान सकते हो कि लीनियर स्प्रिंग है आपके पास, यानी कि जो डिफॉर्मेशन और लोड का भी जो डायग्राम प्लॉट करूंगा वो एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिलने वाली है,
ठीक है। अब यहां पर जीरो लोड पे जीरो डिफ्लेक्शन, ये हो गया आप लोगों का पी लोड पे डिफ्लेक्शन। दिस इज पी, दिस इज डेल, ओके, दिस इज पी, दिस इज डेल। तो अगेन जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई आप लोगों की, आप लोगों ने इसमें वर्क कितना किया, आप लोगों ने ग्रेजुअल इसमें वर्क किया है, तो जो आप लोग को वर्क मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दिस डायग्राम। एंड आप देख सकते हो ये हो जाएगा हाफ पी इंटू डेल। सो दिस विल बी द स्ट्रेन एनर्जी यू स्टोर्ड इन द, दिस विल बी द स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, ओके, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन योर स्प्रिंग, क्लियर। नाउ अब स्प्रिंग्स पे लोड कितना लगेगा कि अगर आपके पास कोई व्हीकल है जिसका कोई मास है और वो ट्रेवल कर रहा था तो वो बम्पर से टकराया, बम्पर से टकराया फिर स्टॉप हो गया, तो अब इस कंडीशन में उसका उस स्प्रिंग में कितना लोड आया, ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो समझिए एक बम्पर है आपके पास, तो बम्पर में क्या है आपके पास जो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स आर सिमेट्रिकली अटैच, जैसे कि छह स्प्रिंग लगा दिया और सिमेट्रिकली अटैच है, मतलब जैसे कि सिमेट्रिकली अटैच होगा तो सभी में वो डिवाइड होगा इक्वली, पी बाई एन के फॉर्मूले से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, हम लोगों को ये देखना है कि टोटल लोड कितना आया जब कोई एम के जी का व्हीकल जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो इस बम्पर से जब टकराया तो उस बम्पर पे कितना लोड आएगा। सो इसके लिए हम लोगों को क्या लगाना होगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगा सकते हो, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब वो एम के जी का व्हीकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, हाफ एम वी स्क्वायर रही होगी, ठीक है। ये आप लोगों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर मैं आई से लिख रहा हूँ इसको बस, ठीक है। फाइनली क्या हो गया, फाइनली वो जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो फाइनल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी, सो डेल के विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया वो पूरी एनर्जी किस में चली गई, स्प्रिंग में चली गई, किस फॉर्म में, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में चली गई, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में चली गई। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, स्ट्रेन एनर्जी या चेंज इन स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनिशियली कोई लोड नहीं था तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी, जीरो आएगी। फाइनली लोड कितना हो गया, पी हो गया, स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ पी इंटू डेल हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ पी इंटू डेल, ये आप करोगे और यहां से आप लोगों को जो लोड मिला है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ पी इनटू डेल, जो लोड आया वो मिल जाएगा आप लोग को। अगर लोड दे दिया है मान लीजिए क्वेश्चन में तो कितना डिफ्लेक्शन होगा वो भी मिल जाएगा फॉर योर बम्पर, दैट इज स्प्रिंग्स इन पैरेलल। तो जब बम्पर एक्सेट्रा का प्रॉब्लम होता है तो वहां पर स्प्रिंग्स जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। तो आई थिंक आप लोग को जो स्प्रिंग्स एंड सीरीज इन स्प्रिंग्स एंड पैरेलल का जो प्रॉब्लम है वो समझ आया होगा, जो बेसिक सी चीजें हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्प्रिंग्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, स्प्रिंग्स को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम हो जाते हैं, स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो इस तरह से भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग थी जिसकी, जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स थे, मैंने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो एक एक स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी हो गई। जैसे कि पहले आपके पास 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आप लोगों के पास स्टिफनेस थी पहले किसी स्प्रिंग की के, अब उसको आपने क्या कर दिया, हाफ में डिवाइड कर दिया। तो मैंने बताया था कि के इज इक्वल टू क्या होता है, वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एन, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन बाई एन, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। इसको कट कर दिया, कट इन टू हाफ, क्या होगा आप देख सकते हो, अगर इस कंडीशन को बोलो के वन, इस पहले एन वन था तो आप इसको लिख सकते हो के वन बाई के टू, यहां इसको आप हटा सकते हो ना प्रोपोर्शनैलिटी को, तो क्या मिलेगा, के वन इज इक्वल टू सी, सी इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये आ गया एन वन। सेम वैसे ही के टू को क्या लिख सकते हो, फिर सी बाई एन टू लिख सकते हो। सो के टू बाई के वन बाई के टू इज इक्वल टू हो जाएगा एन टू बाई एन वन, जो एन टू है वो आधा है पहले वाले का, स्प्रिंग्स को आपने कट कर दिया हाफ में, तो आपका के वन क्या आ जाएगा, के वन बाई के टू इज इक्वल टू वन बाई एन वन बाई एन वन, एन वन एन कट गया, सो जो के टू आ जाएगा दैट विल बी टू टाइम्स ऑफ के वन, ये हो गया। अब मैं बोलूं कि इसको आधा मैंने कट कर दिया और इन दोनों स्प्रिंग्स को मैंने क्या कर दिया,
पैरेलल में जोड़ दिया, तो पैरेलल में जोड़ दो अब इन दोनों स्प्रिंग्स को, एक एक की स्टिफनेस कितनी है 2K है, दूसरा वाला भी कितने में 2K है, दोनों को मैंने पैरेलल में जोड़ के लोड लगाया, अब स्टिफनेस कितनी मिलेगी, इक्विवेलेंट स्टिफनेस मिलेगी K1 प्लस K2 दैट इज 2K प्लस 2K यानी कि 4K, दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग आपको रखनी होती है। स्प्रिंग के क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस से क्वेश्चन होते हैं, बहुत से इजी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे कंसेप्ट और मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई एंड में वो भी आपको समझ आई होंगी। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंक्रीज्ड है स्ट्रेंथ ऑफ मंडल की, तो जल्दी हम लोग आने वाले जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं आगे के हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, उसमें जो मैंने आप लोगों को पूरा मॉड्यूल डिस्कशन किया है उसी फ्लो में उसी स्टाइल में आप लोगों को सारी चीजें मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को आप इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मेरा और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।